अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अज़ीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफ़ियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब खूब कामयाबी और कामरानी आप हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज नदीम रज़ा हाजिर है ऐसी एक जड़ी बूटी के साथ में जो हिंदुस्तान के अमूमन जंगलात में आपको मिल जाएगी, वो जो मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है, यानी मनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है, बहुत इच्छा पैदा करती है। जड़ी बूटी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की है। जड़ी बूटी आपको आपके जंगल में मिल जाएगी और ये सिर्फ आपके मनी को गाढ़ा ही नहीं करेगी, ये सिर्फ आपकी टाइमिंग ही पैदा नहीं करेगी, बल्कि ये आपके शरीर को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करके ताकतवर शरीर आपका बनाएगी। और ये पथरी के लिए फ़ायदेमंद है, ये गदूद गिल्टियों के लिए फ़ायदेमंद है, जो पेशाब के रास्ते जलन होती है, रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब के रास्ते पुरुष ग्लैंड पैदा हो जाते हैं, पुरुष ग्रंथि बन जाती है, ये उसमें भी बहुत लाभदायक है और आजमूदा है। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार की गिल्टियाँ हों, खारिश, खुजली, जो खून के इन्फेक्शन की वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं, जुजाम, कोड़ वगैरह, ये उनमें भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पीलिए में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेट के रोगों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बहुत सी बीमारियों में काम करती है। जो बीमारियों में अच्छा काम करती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है वो तरीक़ा मैं आपको बता दूँ। इसे आप खोज लें अपने जंगल में। पहले मैं आपको इसकी पहचान बता दूँ। इसके ऊपर आप देख रहे हैं सफ़ेद से रंग के ये बोंदने, ये फूल लगते हैं। आप करीब से देख लें, इस तरह के फूल होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, इसकी आप पहचान करेंगे इन फूलों से। और ये जब फूल नहीं होते हैं, छोटे छोटे ये होते हैं, तो बारीक बारीक बोंदने से ये मालूम हो जाते होते हैं। अब ये बड़े हो चुके हैं तो ये फूल बन जाते हैं बाद में। एक पहचान मैं इसकी आपको और बता दूँ, इसकी डंडी को अगर आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद में लेसदार मादा इसके अंदर से आपको ये खारिज होता हुआ दिखाई देगा, निकलता हुआ, बहुत ही चिपचिपा और लेसदार इसके अंदर से रतूबत आपको निकलते हुए मालूम होगी, जो मनी को इस कदर ही गाढ़ा करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसको आप चबाएंगे, दो चार पत्तों को मुँह के अंदर रखना, एकदम बहुत ज़्यादा लुआब पैदा हो जाएगा, इस कदर लुआब पैदा हो जाएगा जैसे इसब गोल मुसल्लम या लाजवंती या ताल मखाना जैसी जड़ी बूटियों को आप मुंह में डालकर चबाते हैं और बहुत ज़्यादा जो लुआबदार मादा एकदम आपको उभरता हुआ दिखता है, इसी कदर इससे आपको मादा उभरता हुआ दिखाई देगा, लेसदार मादा। तो ये मनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है, कमर के दर्द को ख़त्म करती है, मर्दाना ताकत में बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत शय है, मजबूत जड़ी बूटी है। इसकी आपको मैंने पहचान बता दी। अब इसका मज़ा मैं आपको बता दूं, तो इसका मज़ा न कड़वा है, इसका मज़ा न मीठा है, इसका मज़ा न बक्सा है, इसका मज़ा जो है बिल्कुल फीका है, इसका कोई जायका ही आपको मालूम नहीं होगा, बिल्कुल फीकी जड़ी बूटी ये है। तो कई सारी पहचान मैंने इसकी आपको बता दी है। अपने जंगल से आप इसको जो है ले लें, ये नमनाक जगहों पर, पथरीली जगहों पर आपको ये मिलती है, नमनाक जगहों पर। इसका पत्ता जो होता है, पत्ते की आप पहचान कर लें, पान के जैसा पत्ता लंबा ये होता है, बारीक पत्ता इसका होता है, तो ये इसकी आप पहचान कर लें। जहाँ भी आपको मिले इसको आप उखाड़ लें, क्योंकि ये मैंने कुछ चुनिंदा रोग आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर इसकी तशखीस की जाए, जड़ी बूटी की इसके बारे में छानबीन की जाए, तो ये मुकम्मल 92 मर्ज़ों पर काम कर चुकी है। तो भाइयों, इस जड़ी बूटी को आपने खोजना है अपने जंगल में। अब मैं इसकी मकदार आपको बता दूं, आपने इसके 5 ग्राम पत्ते लेने हैं,
5 ग्राम पत्ते लेने के बाद में आपने उनको पानी में डालकर पीसना है। पानी में डालकर आप पीस लें, ये इसका अरक बन जाएगा। अरक जब बन जाए तो आपने छान कर सुबह को निहार मुंह पीना है। अगर आपने इसका इस्तेमाल 2 महीने कर लिया, नामर्द भी हैं तो अल्लाह के फजल व करम से मर्द आप बन जाएंगे, और जो बीमारियों का मैंने तज़किरा किया है इंशाअल्लाह उन सारी बीमारियों में आपको लाभ मिल जाएगा। और मज़ीद ये कि 92 तरह की बीमारियों में ये आपको लाभ पहुँचाएगी अगर आपने इसको 2 महीने इस तरीके से प्रयोग कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी, इसके बारे में बताई हुई बातें पसंद आई होगी। अच्छा, इसका नाम मैं आपको बता दूँ, इसका नाम है मजीठ या मजेठ भी इसको बोलते हैं, मजीठ या मजेठ इसको बोलते हैं। ये पंसारी के यहाँ भी आपको मिलती है लेकिन सूखी मिलती है। सूखी का फ़ायदा ये समझिए कम से कम 70% कम हो जाता है जो सूखी दवाई आपको मिलती है। लेकिन अगर आप 100% फ़ायदा चाहते हैं तो मजीठ को आप अपने इलाके में जंगलात में नमनाक और पथरीली जगहों पर तलाश करें और फिर इसको इस्तेमाल में ले लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी, मजेठ के बारे में, परेशानियों के बारे में जो बताया, मजेठ कैसे आपने इस्तेमाल करना तरीका आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप परेशान हालों में ज़रूर शेयर करें, ख़ासकर ऐसे लोगों में शेयर करें जो पैसे से मोहताज हैं या गरीब तबके के लोग हैं। जब उन लोगों तक आप ये वीडियो शेयर करोगे, उन लोगों का आपके और मेरे जरिया भला हो जाएगा। तो खूब खूब मुझे और आपको वो दुआओं से नवाजेंगे। तो मेरे और आपके लिए बस यही।